डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारा कोर्स आपको करा दिया है, लगभग अंतिम पायदान पर ही चल रहा है। फिर उसके बाद रिवीजन की फेजेस चलाते रहेंगे, तो आप भी बार बार वीडियो देखिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन का पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। पुराने पेपर का जो अनसोल्ड पेपर वगैरह के सेट आते हैं, उनको अरेंज करिए, बाजार में मिल जाएंगे, उसके आधार पर पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अंतिम टारगेट बचेगा आपका कि अब जो आपने पढ़ा है इसको कॉपी में लिखना। पता चला पढ़ते रहे और कॉपी में नहीं लिख पाए तो नंबर नहीं आएंगे, इस कटु सत्य का भी ध्यान रखिए। इसलिए आप उनको पढ़ते रहिए और रिवीजन करने का काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी एंड आने वाला है। ये मानते हुए पढ़े कि मार्च में एग्ज़ाम होंगे, नहीं तो उसके पहले तो होंगे नहीं, एक मार्च के पहले तो ये ध्यान रखें। तो मार्च में एग्ज़ाम होते हैं, जनरल कैलेंडर ये रहता है, तो उस हिसाब से आप पढ़ें और टाइम मिले उसमें रिवीजन करते रहें। ये इसका एक फिक्स तरीका है। तो इसी क्रम में हम ले रहे हैं U4 BSc फैमिली। ये आपका सिलेबस है जो हम बार बार बताते हैं आपको, कैसे तीन सेक्शन होते हैं, कैसे यूनिट्स होती हैं और क्वेश्चन पैटर्न होता है। जो ये लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी 10 पार्ट में, दो दो क्वेश्चन छोटे छोटे इनमें से आएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, दो दो आएंगे लेकिन बड़े क्वेश्चन आएंगे, यानी कि करने 5 हैं, दो में से एक करना, या एक करना या एक करना या एक करना, ऐसे करना है। 5 क्वेश्चन करना है, इसे 250 शब्दों में लिखना है। ये ऊपर वाले 20 शब्दों के ही, इनकी नंबरिंग भी कम है। ये 5-5 नंबर का रहेगा बच्चों। और जो तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन है, 4 आएंगे, ये सी सेक्शन कहलाता है। 4 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें 500 शब्दों का लिखना है और करना 2 है उसमें से, और यूनिट्स में से आएंगे और 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट से आएंगे। डेस्क्रिप्टिव टाइप का है और उसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 में से 2। उनका जो नंबरिंग है, ये 30 तो ये हो गए, 20 बचे जो 10-10 नंबर के वो रहेंगे। इस तरह का जो क्वेश्चन पैटर्न है ध्यान रखें, भी 25 और 5 30 नंबर हो गए, टोटल 50 होने, तो 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे। इस तरह की सिस्टम है यूनिवर्सिटी का। तो बड़ा क्वेश्चन आए तो उसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब आपको डिसाइड करना है इस तरह से सिलेबस का पैटर्न देख के। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं U4 BSc पे, इसको हम पढ़ रहे हैं U4 BSc के। फिर इसके बाद 2 फैमिली बचेगी, फिर वह रिविजन वगैरह की क्लासेज जैसे हम चलाते रहेंगे, जिसमें क्वेश्चन पैटर्न वगैरह का भी कोशिश करेंगे बताने की। तो अभी आपको U4 BSc पढ़ना है। ये U4 BSc की सिस्टमेटिक पोजिशन है मैंथम होकर के हिसाब से, और ऐसे इसका वर्गीकरण की ये स्थिति है। या सोलेनेसी, या केंथेसी, या लेबिएटी, या चिनोपोडिएसी, या मारेंथेसी, ऐसे इस वेदर ये U4 BSc, ये इसकी पोजीशन है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। ये इसके मेंबर्स हैं, अलग अलग U4 BSc के मेंबर हैं। ये नेट से पूरा डायग्राम लिया है, कलरफुल जनरेशन है बच्चों आपकी। आजकल हर चीज़ नेट पर अवेलेबल है, आप U4 BSc लिखेंगे जो सामने यहाँ पे लिखा गूगल पे, तो इमेजेस में तो उससे रिलेटेड प्लांट्स की इमेजेस ये आ गई। पहले थे कि फ्लावर एकदम से जान नहीं होंगे, वहाँ देखने को नहीं मिलते थे, ये जैसे U4 BSc आए ये आपके नेचर में भी इजी वे में आपको दिख जाएगा। पल्चेरिमा है, ये भी आपको दिख जाता है इस तरह से, ये U4 BSc दिख रहा है आपको, ये वाला देखा होगा आपने भी, और एक डायग्राम में बहुत क्लियर आएगा बच्चों। ये इस तरह से देखिए आप, U4 BSc पल्चेरिमा अपने कॉलेज में गार्डन में भी लग रहा है, ये अच्छा सुंदर फ्लावर है, ये इसका मेंबर है। और इसी तरह से ये जेट्रोपा, आप जानते होंगे कि एनर्जी प्लांटेशन में इसको काफ़ी ग्रो कराया गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में एक बड़ा कैंपस है जिसमें जेट्रोपा का कल्टीवेशन करा गया लार्ज स्केल पर, और एक्सपेरिमेंट करे गए। प्रोफेसर अश्विनी कुमार का एनर्जी प्लांटेशन पर काफ़ी वर्क रहा है वहाँ पर, लखनऊ में, और 2-4 इंडिया की और लैब्स में भी वर्क शुरुआत में हुआ था, अब तो और जगह भी होने लगा। फिर इसका लार्ज स्केल पर सीड डिस्ट्रीब्यूट करे गए
और एनर्जी प्लांटेशन में इसको काम में लेते हैं। इसके हाइड्रोकार्बन से जो है पेट्रोक्रॉप्स के लिए इसका यूज लेते हैं। ये इस तरह के इसके फ्रूट्स होते हैं बच्चों। ये यूफोर्बिया हीटा है जो आपने देखा होगा नेचर में प्रेजेंट है। तो हम इसके इस इन्फ्लोरेसेंस को डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एंड लेंस में भी देख सकते हैं, बट डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे रख के हम उसको देखते हैं। तो हम उसका ये वर्णन पढ़ेंगे। ये यूफोर्बियसी, ये इसके अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन दिए। लार्ज स्केल पर हर्बेरिया जो है बैंथम होकर के हिसाब से इंडिया में अरेंज है। ये इसका सिस्टमेटिक पोजिशन, 321 जेनेरा, 7000 समथिंग स्पेसीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, फ्यू स्पेसीज आर द टेम्परेट रीजन्स। साइलेंट फीचर्स देखें इसके, प्लांट्स विद लेटेक्स है, लीव्स अल्टरनेट है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल, कार्पस 3, ओवेरी सुपीरियर 3 चैम्बर्ड। मेजर जेनरा देखें तो यूफोर्बिया फाइलेंथस एक्लिफा, ये इसके मेजर जेनरा डेट्रोपा। इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा इंग्लिश में अगर देखें तो। और ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यही रहेगी। फाइलेंथस एम्बलिका भी इसी का मेंबर है, इस फैमिली का है। ये इस तरह से ये यूफोर्बिया हीटा का हमने बता रखा है। और हिंदी में पढ़े तो बच्चों इस तरह का, हिंदी पहले पढ़ा देते हो कन्वीनियंट रहेगी आपके। ये वर्गीकरण आ जाएगा इसका, ये इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स आ जाएंगे। सो वो शाप प्रकार का, शुभ प्रकार का, वृक्ष प्रकार का है। पादपों में दूध या लेटेक्स उपस्थित, पर्ण एकांतरित, अनुपटनी, सरल हस्ताकार, पालीवत या संयुक्त, पुष्पक्रम सरल या शाखित, रेसिम स्पाइक, पैनिकल या साइथियम, पुष्प सपत्री, एक लिंगी, त्रिज्या सम्मित, जायांगर, पुंकेसर एक से असंख्य, स्वतंत्र पुंकेसर या एक संगी, कुछ सदस्यों में शाखित पुंकेसर उपस्थित, जायांग त्रिअंडपी, युक्तांडपी, त्रिकोष्ठकी, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती, बीजान्यास स्तंभी, वर्तिका प्राय 3, प्रत्येक 2 वर्तिकाग्रों में विभाजित। फल जो है साइजोकोर्पिक रेगमा। डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूफोर्बियेसी कुल में लगभग 290 वंश, 75 प्रजातियाँ हैं जो कि आर्कटिक प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। अधिकांश जातियाँ उष्णकटिबंधीय अमेरिका, अफ्रीका और इंडो मलाया में उगती है। इस कुल के क्रोटोन जातियाँ यूफोर्बिया फाइलेंथस ये आदि प्रमुख जातियाँ हैं, जेट्रोपा आदि। प्रकृति एक वर्षीय शाक भी है, शाखीय वल्लरी भी है, शुभ भी है, श्रब भी है, कैक्टस जैसे कैक्टस लाइक श्रब भी है, जैसे ट्रेजिया जो है वो इस तरह का ही प्लांट दिखता है। ट्रीज भी है जैसे एम्बलिका ऑफिसिनी, आंवला है। इस तरह के ये मुख्य लक्षण है। स्तंभ शाखीय या काष्ठीय, शाखित बेलनाकार, कोणीय या चपटा, रिसिनस कम्युनिस में तना खोखला होता है। अरंडी का देखा होगा बच्चों आपने, तना खोखला होता है, देखना उगती भी अपनी बेल्ट में। जाइलोफिला की जातियों में चपटा फाइलोक्लेड पाया जाता है। पत्ती का जहाँ तक है, पत्तियाँ सरल स्टिपुलेट एकांतरित, कभी कभी समूह जैसे यूफोर्बिया हीटा में। पेडिलेंथस में नीचे वाले भाग में पत्तियाँ एकांतरित होती हैं, जबकि पुष्पीय क्षेत्रों में ये अपोजिट होती है। रिसिनस में पत्तियाँ गहरी हस्वस विभाजित, मैनियोत में हस्ताकार संयुक्त होती है। यूफोर्बिया की कुछ जातियों में स्पाइंस में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे जेट्रोपा में शाखित रोम समान संरचना के आकार के होते हैं। रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर देखें तो पुष्प क्रम में कई प्रकार के पुष्प क्रम देखे गए इस फैमिली में, जैसे असीमाक्ष भी देखा गया है, कैटकिन देखा गया है, ससीमाक्षों का असीमाक्ष या मंजरी प्रकार का जेट्रोपा में देखा गया है। साइथियम जो है नॉर्मल आपको देखा भी जाता है प्रैक्टिकल में, वो यूफोर्बिया में देखा गया है, साइथियम प्रकार का पुष्प क्रम। ये बच्चों प्रैक्टिकल में भी आपके स्पोर्ट्स में रखा जाता है कि विशिष्ट प्रकार का पुष्प क्रम कौन कौन से हैं, जैसे वर्टिसिलेस्टर तुलसी में होता है, साइथियम इसमें होता है, तो ये आपके रखा भी जाता है। नेक्स्ट लेते हैं फ्लावर। फ्लावर जो है इसका सपत्री है, एकलिंगी है, डायोसियस है या द्विलिंगी, जैसे मोनोसियस रिसिनस में देखा गया है, त्रिज्या सम्मित, त्रितय, पंचतय, चक्रिक जायांगर, कभी कभी परिजायांगी भी होता है। इस वंश में पुष्पीय विविधता
अत्यधिक है, जो उदाहरण से देखने के जैसे रिसिनस में है जिसमें इस तरह का है, देन यूफोर्बिया, एंथोस्टेमा, फाइलेंथस निरूरी, क्रोजोफोरा, वाइल्डलैंडिया, ये इनमें पुष्पों में विविधता भी देखने को मिलती है। जैसे रिसिनस को लें तो पेरियंथ में 3 से 5 परिदल एक चक्र में एक नर पुष्प में प्रत्येक परिदल के समूह का अत्यधिक शाखित पुंकेश होता है। मादा पुष्पों के जायंग में 3 संयुक्त अंडक या विषम अंडक पश्चिम दिशा में होता है, जबकि अगर यूफोर्बिया में देखें तो व्रंतीय नर पुष्प में परिदल अनुपस्थित है तथा इसमें केवल एक ही पुंकेश दिखता है। व्रंत एवं पुतंतु के बीच में स्पष्ट संधि होती है। मादा पुष्प में भी परिदल पुंज एब्सेंट होता है, जायांग त्रिअंडपी या युक्तांडपी होता है। परिदल पुंज जेट्रोपा में क्रोटोन में बाह्य दलपुंज और दलपुंज उपस्थित होते हैं। अधिकांश सदस्य में या तो बाह्य दलपुंज या दलपुंज अनुपस्थित होता है। कभी कभी दोनों ही कैलिक्स और कोलोरा ही अनुपस्थित होते हैं, जैसे यूफोर्बिया हिटा में। दल कोरछादी या कोरस्पर्शी उमंग पुंकेसरों की संख्या 1 से असंख्य, प्राय पुंकेसरों की संख्या परिदल के बराबर होती है। यूफोर्बिया में केवल एक व्रंतीय पुंकेसर ही नर पुष्प का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोटॉन में असंख्य पुंकेसर होते हैं। जेट्रोपा में 5-5 पुंकेसरों के 2 चक्र होते हैं। रिसिनस में 5 अत्यधिक शाखित पुंकेसर होते हैं। फाइलेंथस साइक्लेंथेरा में सिनेंड्रस स्थिति पाई जाती है। जायांग प्राय त्रिअंडपी, युक्तांडपी, त्रिकोष्ठकी, अष्टीय बीजान्यास, जायांगधर, वर्तिका की संख्या अंडकों के बराबर और प्रत्येक शाखित होकर 2 वर्तिकाग्री पालियां बनाती है। वाइडेलिया में द्विअंडपी, वाइलेंडिया में पेंटाकार्पेलरी जायांग होते हैं। पुष्प सूत्र देखें तो वो इस तरह से फाइलेंथस में ब्रैक्टेट बता रखा है, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्स और P3+3A3 और ये 3 बता रखे गाइनोशियन के। मेल में देखें इसमें तो इसमें इस तरह से ये P0 है और ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, ये इस तरह की इसमें स्थितियाँ हैं। फल सामान्यतः रेग्मा या साइजोकार्पी के हरे हैं जो 3 या 1 बीजीय स्फुटनशील फलांशकों में टूट जाता है। बीज प्राय सीधे भ्रूण युक्त भ्रूण पोषी होते हैं। परागण देखें पॉलिनेशन तो अधिकांश मेंबर में कीट परागण होता है, परंतु रिसिनस में ये वायु परागण देखने को मिला है। आर्थिक महत्व के ये पौधे हैं बच्चों, इसमें एकेलिफा, यूफोर्बिया पल्चेरिमा जिसको पोइनसीटिया कहते हैं, जेट्रोपा हेस्टेटा, यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस। रंजक के फॉर्म में है तो इन्हीं से ये रंजक प्राप्त होता है। रबड़ का वाला प्लांट भी, जो कि आप जानते हैं रबड़ बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, हेविया ब्रेसाइलेंसिस, पैरा रबड़ इससे प्राप्त होता है। आता भी है बच्चों एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दें रबड़ पे कुछ ना कुछ पूछा जाता है, क्योंकि लेटेक्स से प्राप्त होता है। रबड़ इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, जितने भी टायर ट्यूब वगैरह सब बेसिकली उसी के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो वल्केनाइजेशन या केमिकल चेंज करके करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल वह रबड़ ही देता है। ऑयल है, बीजों के भ्रूण पोष से प्राप्त होता है, जैसे रिसिनस कम्युनिस में अरंडी का तेल प्राप्त होता है जो कि वार्षिनिश वगैरह में काम भी आता है। जेट्रोपा कर्कस सफ़ेद तेल, साबुन, मोमबत्ती, स्नेह के रूप में काम में आता है। क्रोटोन, ये क्रोटोन कर्कस के बीज जो है रेचक की तरह प्रयुक्त होते हैं। रिसिनस कम्युनिस कहते हैं, रेचक के रूप में काम आता है, लुब्रिकेंट के रूप में काम में आता है। ये यूफोर्बिया हिटा, इसका ये डिस्क्रिप्शन। नागार्जुन ये लाल दूधी भी इसको कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि ऐसा इसका स्वभाव। ये रूट, ये स्टेम, ये अगर फल लीफ लें तो अनुपाणी, अनुपाण, रेखी, आशुपाती हैं, और अगर पुष्पक्रम लें तो ये मेन कैरेक्टर है। ये साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम है। यहाँ कई साइथियम में अक्षीय, अंतःसिस्टम पुष्पक्रम में, समूह में, ससीमाक्षीय में विकसित होते हैं। प्रत्येक साइथियम के पहले नुमा पुष्पांग के मध्य में एक मादा पुष्प होता है, जिसको घेरे हुए कई एक पुंकेसरी नर पुष्प उपस्थित होते हैं। ये नर पुष्प का डिस्क्रिप्शन दे दिया बच्चों, इसी तरह से जैसे हमने शुरू में बताया था ये मादा पुष्प का डिस्क्रिप्शन आ गया है। ये इसका इसमें पुष्प सूत्र जो है आ गया। जैसे अगर हम लें अभी इसको नर पुष्प का, सपत्ति सवर्ण परिदल पुंज रहित अपूर्ण होता है,
अपूर्ण निश्चित रूप से इसलिए कहा जाएगा कि मेल फीमेल अलग तरह के फुलावर है, इसलिए अपूर्ण तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। एक लिंगी पुंकेसरी, नर पुष्प में केवल एक ही पुंकेसर होता है। इधर देखें आप मादा पुष्प को देखें, मादा पुष्प परिजन पुंजित नहीं होता। ऐसा पति सब व्रंत एक लिंगी स्त्री कैसी जायंग, यदि पुष्प साहित्य के केंद्र में स्थित केवल एक जायंग स्त्री, जायंग त्रियंडपी है, युक्तांडपी त्रिकोष्ठ की बीजान्यास एक्साइल प्रकार का, इसका ध्यान रखें मेन कैरेक्टर्स है। अंडाशय वर्तिका, छोटी वर्तिका अग्र 3, शीर्ष पर 2 फीट, फल कैप्सूल प्रकार का है इसमें। ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, छोटे क्वेश्चन इस तरह के भी बनते हैं इस पे। साहित्य पुष्पम किस कुल का है, किस कुल का मेंबर है, अरंड का तेल किस पौधे से प्राप्त होता है, ये आपकी रेफरेंस बुक्स हैं जो कि आपको हायर क्लासेज में पढ़नी पड़ेगी, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। थैंक यू बच्चों।